आगे बढ़ेंगे। किसानों का धरना प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। किसान लगातार इस सर्दी में बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन की तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के मयूर विहार से नोएडा आने वाले रास्ते को लोगों की तकलीफों को देखते हुए किसानों ने कल ही खोल दिया था। वहीं सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि सड़कों पर ही खाना है, सड़कों पर ही नहाना है, लेकिन किसान कानून को नहीं अपनाना है। यानी कि सीधे तौर पर यही कहना कि कृषि कानून वापस ले जाएं। हमारे संवाददाता ललित मोहन ने चिल्ला बॉर्डर का जायजा लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर योगेश सिंह से भी उन्होंने बात की, आप भी सुनिए। धरने प्रदर्शन का 15वां दिन, मैं चिल्ला चेक पोस्ट पे मौजूद हूँ। ताजा स्थिति क्या है, जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा उसको पूरी तरीके से किसानों ने नकार दिया, आखिरकार क्या वजह थी, और 14 और 12 दिसंबर को किस तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे, और सरकार से अब किसान क्या चाहता है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किसान भारतीय यूनियन के योगेश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। योगेश जी, प्रस्ताव आपने दिखा दिया, अब ये चाहते हैं सरकार इन तीनों कानून जो लाई है उनको वापस करे। उसके बाद जो मोदी जी कहते हैं स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे तो लागू करें, और किसान के कर्जे की कहते थे माफ़ करेंगे वो माफ़ करें, और अगर वो हम गलत हैं वो कहते हैं वो गलत हैं, तो हमारा मानना है कि मीडिया के सामने बात करें, बंद कमरे में नहीं, मीडिया के सामने। तो बंद कमरे में उस दिन अमित शाह जी ने इनको धमकाया होगा, शायद धमकाया होगा, लेकिन हमें पता चला है ऑफर भी दिया है कि इनको आंदोलन खत्म हो, तो आंदोलन तोड़वाना चाहती है सरकार। ऐसे नहीं, अब मीडिया के सामने बाहर खुले मंच पे होना चाहिए। दूसरी बात, जब तक दुखी किसान रहेगा ये नारा लिखा है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान, ये नारा है वो बिल्कुल सही है, वो करना पड़ेगा। और ये कहते हैं किसान खुशहाल है, मेरे बड़े भाई ठाकुर ओम प्रताप सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने 24 जनवरी 2018 को आत्महत्या की थी, और ये कहते हैं सरकार ये किसान खुशहाल है, है तो किसान आत्महत्या कर रहा है, और वो कह रहे हैं तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन पे उतर आया है, किसान जागरूक हो गया है, और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, हम तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार आपको 12 दिसंबर और 14 दिसंबर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी क्या योजना? धरना प्रदर्शन ये है टोल फ्री का है, 12 तारीख को टोल फ्री नेशनल हाईवे जो उसके केंद्र सरकार के हैं उन टोलों को फ्री करेंगे, और उसके बाद फिर 14 तारीख की चक्का जाम की है पूरे प्रदेश में, देश में चक्का जाम कर प्रदेश में चक्का जाम कराएंगे, तब भी नहीं मानेंगे तो सरकार और किसान के बीच में कहाँ, और तब भी नहीं मानेगी जो है सहमति बन सकती है, और ना तब भी नहीं मानेगी तो फिर इन्हें तोड़ के अब क्या करेंगे प्रदर्शन क्या करेंगे। बात ये भी कही जा रही है कि सांसद और विधायकों के घरों पर भी चाय कचू कर लेंगे, किसान इतना किसान है देश में, सब चाय कचू कर लेगा, लेकिन मर्यादित है किसान, थोड़ा सोचता है, हमें ये नक कदम उठाना पड़े उससे पहले ही सरकार मान ली। अभी तो हम जैसे दिल्ली जा रहे थे प्रधानमंत्री जी से बात करने, तो उनको रोका गया बॉर्डरों पर, सील कर दिए।